महाराजा अकबर के दरबार में नीलकेतु नाम का एक व्यक्ति आया। नीलकेतु काफी दुबला पतला व्यक्ति था। वह दरबार में पहुंचा और राजा अकबर को बताया कि वो नील देश से आया है और अभी वो विश्व की यात्रा पर निकला है। उसने राजा को यह भी बताया कि वह सभी जगह घूमने के बाद वो राजा के दरबार में पहुंचा है, क्योंकि आपका दरबार पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है। यह सुनकर महाराजा अकबर काफी खुश हो गए। फिर राजा ने उसका स्वागत विशेष मेहमान के रूप में किया। राजा द्वारा किए गए सम्मान और सत्कार को देख कर नीलकेतु काफी खुश हो गया। उसने राजा को बोला, महाराज मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ कई सारी परियां रहती है। मैं अपने जादू से उन्हें यहाँ बुला भी सकता हूँ। यह सुनकर महाराजा अकबर काफी खुश हो गए और बोले, अच्छा तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। यह सुनकर नीलकेतु ने राजा को रात में तालाब के पास आने को कहा और बोला कि वो परियों को मनोरंजन और नृत्य के लिए भी बुला सकता है। यह सुनकर राजा ने नीलकेतु की बात मान ली। फिर नीलकेतु ने शर्त रखा कि महाराज आपको अकेले ही वहां आना होगा। फिर जैसे ही रात हुई, राजा अपने घोड़े में बैठकर तालाब की ओर चल दिए। राजा जैसे ही तालाब के पास पहुंचे तो वह पास ही में एक किले के सामने नीलकेतु खड़ा था और राजा का इंतजार कर रहा था। जब राजा उनके पास पहुंचे तो नीलकेतु ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि महाराज मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और सारी परियां किले के अंदर ही है। राजा जैसे ही नीलकेतु के साथ किले के अंदर जाने लगा, तभी राजा के सैनिकों ने नीलकेतु को बंधक बना लिया। यह देख राजा हैरान रह गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं कहानी सुनाऊं। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो यह जर्नी में आप भी मेरे साथ जुड़ जाओगे और हम दोनों मिलके इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की कहानी सुनो। उन्होंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम सबने इसे बंधक क्यों बनाया है? उसी वक्त किले के अंदर से बीरबल बाहर आए और उन्होंने कहा, महाराज मैं बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। बीरबल ने आगे बताया। उसने कहा, महाराज यह नीलकेतु कोई यात्रा करने वाला नहीं बल्कि नील देश का रक्षा मंत्री है और उसने धोखे से आपको यहाँ बुलाया है। और किले के अंदर कोई परिया नहीं है, यह सिर्फ आपको यह मारने के लिए बुलाया था। यह सुनकर राजा ने बीरबल को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और पूछा कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर बीरबल ने कहा, महाराज पहले ही दिन मुझे शक हो गया था, फिर मैंने इसका पीछा किया और इसकी सच्चाई मुझे पता चल गई, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया वरना आपको लगता कि मुझे जलन हो रही है कि आप किसी और पे मेरे से ज्यादा भरोसा कर रहे हो और इसलिए रात को अकेले जा रहे हो। यह सुनकर महाराजा अकबर बीरबल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बीरबल तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता। ये बोल के दोबारा बीरबल को वो धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी से हम क्या सीखते हैं? किसी भी नए व्यक्ति पर पूरी तरह आग बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए हमेशा अपरिचित व्यक्ति को परखने के बाद ही उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए।